दोस्तों, अक्सर हम जब भी घरों में रोटी बनाते हैं तो एक या दो रोटी बची जाती है और उस बची हुई रोटी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि गरम-गरम रोटियां तो सबको अच्छी लगती है। तो मेरे घर में भी अक्सर यही होता है, एक दो रोटी रोज बची जाती है और उसको मुझे ही खाना पड़ता है। लेकिन आज मेरा बिल्कुल बची हुई रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ ऐसा बना लूँ जो मेरे साथ साथ ये सभी को पसंद आए और सभी इसको बहुत खुश होकर खाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बासी रोटी से बनने वाला एक ऐसा टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता, जिसको अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो यकीन मानिए बासी रोटी जब भी आपके घर में बचेगी तो बच्चे हो या बड़े, सभी इसे नाश्ते को बनवाना पसंद करेंगे। उनको इतना ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको मिनी पिज्जा भी बोल सकती हैं। देखने से लग भी नहीं रहा कि इसको हमने बची हुई रोटी से बनाया है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका बिसिंदी में आप सबका। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए एक चटपटी सी स्टफिंग, जिसके लिए हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, बारीक बारीक इसको काट लिया है। दो हमने हरी मिर्च ली है काट कर। ये मैंने 50 ग्राम पनीर लिया था जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काटा है। और इसी तरीके से मैंने एक आलू ले लिया था मीडियम साइज का, उसको भी काट लिया है। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम क्यूब्स में काट कर इस नाश्ते को बनाते हैं ना, इस नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है। लेंगे हम एक खाली बाउल और ये जो सारी सब्जी हमने काट कर रखी है इनको हम डाल देंगे इस बाउल के अंदर। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जैसे कि हमने एक छोटा चम्मच नमक का लिया है। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें चीज का यूज करने वाले हैं। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये डालेंगे एक टीस्पून ओरिगैनो, एक टीस्पून ही जाएगा पिज्जा सीजनिंग, एक छोटा चम्मच जाएगा गरम मसाला, ये हमने लिया है सेजवान सॉस, तो इसकी हम एक टेबल स्पून भरकर इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते के अंदर। में डाल देंगे एक चम्मच भरकर डालेंगे टमाटो केचप। आपके पास सेजवान सॉस और ये टमाटो केचप ना हो तो इसकी जगह पर आप इसमें एक चम्मच भरकर चाट मसाला डाल दीजिए, उससे इस स्टफिंग को बनाकर आप तैयार कर सकती हैं। इन सभी चीजों को हम स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है और इस तरीके से हमारी एक चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। तो अब मैंने ले ली है ये बची हुई रोटी। मेरे पास तीन रोटी है, ये मैंने सुबह बनाई। एक रोटी को उठाकर हम रख लेंगे प्लेट में और मैंने ली है ये इस तरीके की, छोटा सा गिलास है, बच्चों के पानी पीने के लिए होती है, तो इसको मैंने ले लिया है। आपके पास कोई कटोरी हो तो उसको भी आप ले सकती हैं, या फिर आपके पास कुकीज कटर हो तो उसको भी आप यूज कर सकती हैं। तो इससे अब हमें इस तरीके से रोटी पर रखना है और इसमें से रोटी का एक गोल पीस काट कर तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारी रोटी में से हम इसी तरीके से छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने तीनों रोटी में से छोटे छोटे गोल गोल पीस काट कर रख लिए हैं। तो अब मैंने ले लिया है ये अप्पे पैन, क्योंकि इसी में इस नाश्ते को मैं बनाकर आज तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हमें ऑयल से या घी से पैन के सारे खानों को अच्छे से ग्रीस कर देना है। तो सभी को हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब हम रोटी उठाएंगे जो हमने काट कर रखी है, इस तरीके से बीच में इस तरीके से रख देंगे। अब थोड़ी सी स्टफिंग उठाएंगे और इसके बीच में रख देंगे इस तरीके से। थोड़ी सी हम इसमें रख देंगे चीज इस तरीके से, ये देखिए। अब इसी तरीके से सारी रोटी जो हमने कट कर कर रखी है रखेंगे और इसमें स्टफिंग रख कर तैयार कर लेंगे। सभी को तैयार कर लिया है, अब चलिए चलते हैं गैस के पास। इसको गैस पर रख दिया है, अब इसको ढक देंगे और दो मिनट के लिए या फिर जब तक चीज मेल्ट ना हो लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकने देंगे। और ये देखिए दो मिनट हमने इसको ढक कर पका लिया है और ये देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। वाओ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, देखा आपने कितनी फटाफट से ये नाश्ता बन गया। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए मैं आपको यहीं पर उठाकर दिखाती हूँ, लग रहा है ना कितना सुंदर। ये बिल्कुल तैयार है हमारा झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बासी रोटी से बना नाश्ता, जिसको आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत कम मेहनत के साथ, बहुत कम सामान के साथ। और मजे की बात यह है कि इसमें बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं, बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरीके से बासी रोटी का आप एक यूनिक सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नाश्ता है, बच्चे हों या बड़े सभी इसको खुश होकर खाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखना। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।